नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले में आज नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम को पूरा किया गया। मंच से दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं जनता की सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि इस कार्यालय के उद्घाटन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जिसके पास कार्यकर्ता और कार्यालय होता है वो दल अपरजित दल माना जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार इतिहास रचेगी। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतने वाली है। भाजपा विकास में भरोसा करती है। उन्होंने कहा, हमारे सांसद और विधायक हमेशा विकास से जिलों की सूरत बदल गई है, यहाँ तक कि पूर्वांचल भी बदल गया है। दिनेश शर्मा ने कहा, पहले दिमागी बुखार का कहर होता था, अब ये समाप्त हो गया है। वहीं नुपुर शर्मा को लेकर अरब देश की प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम न आंख उठाकर न आंख दिखाकर झुकाकर हम आंख मिलाकर बात करते हैं। हमारी पार्टी की नीति है सभी धर्मों के सम्मान करना। जो इस नीति पर कार्य करेगा वो पार्टी में रहेगा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।